हाय रवि, सॉरी यार थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं यार, तूने उनसे बात की कि नहीं? बात तो की यार, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। अरे तूने उन्हें बताया नहीं कि मैंने फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स का डिप्लोमा यूके से किया है? वो तो अक्सर ऐसी फिल्में बनाते रहते हैं ना जिसमें बहुत सारा स्पेशल इफेक्ट्स होता है। मालूम है, पर वो ऑलरेडी किसी को साइन कर चुके थे इसीलिए। ए रवि, वो नैना है ना, दिलुबा की हीरोइन। अरे हाँ यार, वही है। अब भी कितनी खूबसूरत दिखती है। तुझे पता है, एक टाइम पर मैं इसका जबरदस्त फैन था। शादी ने बेचारी का करियर बर्बाद कर दिया, उस मेहरा ने इसका करियर बर्बाद कर दिया। इसके पैसों से फिल्में बनाई, सबकी सब फ्लॉप। अंधा है क्या? गाड़ी ऐसे चलाते जैसे सड़क इनके बाप की हो। आप ठीक तो हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो वो तो मेरी जान ही ले लेता। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। बाय द वे, आई एम रवि, रवि कुमार, और ये है मेरा दोस्त सुहास। और हाँ, एक बात और, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठकर चाय पी रहा हूं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं भी यहाँ बैठकर चाय नहीं पी रही होती। आपको पता है, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। पागल था मैं आपका। आई मीन, आपकी परफॉर्मेंस का। थे? मतलब अभी नहीं है? अरे अब तो आपने काम करना ही छोड़ दिया है। वैसे एक बात बताऊं, अगर आज भी आप पर्दे पर आ जाए ना, तो आजकल की हीरोइनों की यूं छुट्टी कर दें आप। Who is this? कौन है जो हमारी खूबसूरत बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा? रंजीत। होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। कम ऑन रंजीत, ये फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, ये मेरे फैन हैं। इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, आज इन्होंने मेरी जान बचाई। Really? क्या हुआ? बाद में बताऊंगी। By the way, ये मेरे हस्बैंड है रंजीत। And I am रवि, रवि कुमार। रंजीत मेरा, have a seat please। मिस्टर रवि, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपने नैना की नहीं, मेरी जान बचाई। आपके इस एहसान के लिए मैं उम्र भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। डार्लिंग, तुम क्या करती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो। यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। थैंक्स अगेन। लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ऑफ कोर्स, ये अक्सर पेज 3 पर नजर आते हैं। राइट, पेज 3। कहाँ खो गए प्यारेलाल? हेलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। सोच रहा था कि आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं। हाँ, she's a darling, I love her। Anyway,
मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। थैंक्स फॉर द टी। यू आर मोस्ट वेलकम। ये घर हमेशा आपके लिए खुला है, कभी भी आइए। थैंक्स। सी यू। It was nice meeting you, Mr. Mehra. Same here. तो वो बच गई। वेल, तुम इसे उसका गुड लक कहो या मेरी बैड लक, अगर आज उसका वो फैन बीच में ना आता तो मैंने नैना का काम तमाम कर दिया होता। कब तक ये बहाने करते रहोगे रंजीत? उससे शादी करते वक्त तुमने ये कहा था कि तुम उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रहे हो। अब तो वो भी नहीं बची, उसका बंगला, उसके स्टूडियो, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है, लेकिन तुम उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। Come on, Sheena, come on. तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उसकी 30 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है। 30 करोड़, 30 crores, ये 30 करोड़ तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हर बार तो वो उसे बचाने नहीं आएगा ना? बचाने तो नहीं आएगा, बट आई एम अफ्रेड कि वो मुझे फंसा सकता है। व्हाट डू यू मीन? आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज इन हिज आईज। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मुझे लगता है कि शायद उसने मुझे ड्राइविंग करते हुए देख लिया था। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे देख लिया था। हेलो। हेलो मिस्टर मेहरा, मैं रवि, रवि कुमार। पहचाना? ओह, रवि कुमार, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। तुम्हें ने तो नैना की जान बचाई थी ना। चलो अच्छा है जो आपने मुझे पहचान लिया, और मैंने आप आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया मिस्टर मेहरा। नुकसान? व्हाट डू यू मीन? आप जानते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, जिसमें आपका भी फायदा हो और मेरा भी कुछ फायदा हो जाए। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहलिया मत बुझाओ। साफ साफ बातें फोन पर नहीं की जाती मिस्टर मेहरा, मिलना पड़ता। ओके, मुझे शाम को 4 बजे मेरे स्टूडियो में मिलो। हाय। हाय। Like to have something? पहले काम की बात हो जाए। बोलो। Well, मिस्टर मेहरा, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैंने देखते ही आपको पहचान लिया था, और ये भी समझ गया था कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। मगर तुम क्या चाहते हो? आपकी मदद करना चाहता हूं। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती मिस्टर मेहरा, कि आपके जैसा अकलमंद आदमी इतनी बेवकूफी की हरकत कैसे कर सकता है। आपको शायद पता नहीं कि अगर आपकी गाड़ी के नीचे आकर आपकी पत्नी की मौत हो जाती तो पुलिस को सबसे पहले शक आप पर आता। आई नो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मगर अब है। मैं माना कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेना चाहते, मगर अब मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। वो कैसे?
वो आप छोड़िए, मगर आप सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि जब मिसेस नैना मेहरा की डेथ हो तब आप इस शहर में नहीं होने चाहिए, और यही आपकी फेवर में सबसे बड़ी एलिबाई होगी। लेकिन नैना मरेगी कैसे? जैसे आप चाहें। और बदले में तुम क्या चाहते हो? $50,00,000 कैश। ओके, डन। लेकिन ये कैश तुम्हें काम खत्म होने के बाद मिलेगा। हाँ, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ। कहीं जा रहे हो क्या? Yes, darling. मैं अपनी नई फिल्म के लिए लोकेशन देखने साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। नई फिल्म? लेकिन फिल्म का फाइनेंस कौन करेगा? मिल जाएगा। फाइनेंसर की क्या कमी? एक बार फिल्म अनाउंस करूंगा ना तो फाइनेंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। Well, you know best. Sorry, darling. बस कुछ दिनों की बात। हेलो मिस्टर मेहरा, मोबाइल ऑफ है क्या? यो शायद बैटरी चली गई होगी। सारी तैयारी होगी? यस, ऑलमोस्ट डन। मैं आज शाम को ही साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, एंड आई होप कि मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा तो मुझे एयरपोर्ट पर ही ये खुशखबरी सुनाओगे। डोंट वरी, मगर हाँ, घर की चाबी दरवाजे के बाहर डोर मैट के नीचे रखना मत भूलना। डोंट वरी, आई डू दैट। तुम्हारी पत्नी को खत्म करने के बाद मैं एक ऐसा सीन स्टेज करूंगा जिससे सबको यही लगेगा कि एक चोर तुम्हारे घर में चोरी करने घुसा, तभी अचानक तुम्हारी पत्नी की आंख खुल गई और हड़बड़ाहट में चोर ने तुम्हारी पत्नी का खून कर दिया। कहानी खत्म। ये सब बातें फोन पर करने की क्या जरूरत है? अगर कहीं नैना नैना What? नैना गायब है? Yes. और ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। लैंडलाइन पे फोन करने की क्या जरूरत थी? हमारी कन्वर्सेशन सुनकर वो घर से भाग गई है। Oh, no. ये डर है कि कहीं वो पुलिस स्टेशन ना चली जाए। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो। अगर वो पुलिस स्टेशन गई भी तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगी। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? अब अगर उसकी मौत एक्सीडेंट में भी होती है ना, अब भी फंदा तो मेरे गले में पड़ेगा ना। गॉड, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। कहीं वो हेलो मुझे ढूंढ रहे हो हनी? नैना डार्लिंग, कहाँ हो तुम? देखो, तुम जो समझ रही हो वो बात है। मैं सब जानती हूँ रंजीत, मैं स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, अपने साथ उस साथी को भी ले आना। वो तो मैं जानती हूँ, वो अभी भी तुम्हारे साथ है। 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर अगर तुम स्टूडियो नहीं पहुँचे तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी, याद रखना। नैना,
है ना? नैना कहाँ तुम? उसने तो खुद को गोली मार ली। Oh God. Relax, relax, मिस्टर मेहरा। आवाज यहीं कहीं आसपास से आई है। वो यहीं कहीं है। Let's find her. Come on. तो मिस्टर मेहरा, क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? आई डोंट नो, ज्वेलरी, कैश, पता नहीं। उसने क्या चोरी की है मुझे इस बात का कोई गम नहीं, लेकिन उसे जो लेके जाना था ले जाता, मेरी नैना को क्यों मार डाला उसने? सर, बहुत नजदीक से गोली मारी है, बंदूक एकदम कनपटी पर रख कर गोली मारी है, भेजा उड़ गया बेचारी का। आप दोनों साथ में यहां पहुंचे थे? जी। इससे पहले कहां थे? मैं और रवि उसके घर पर ड्रिंक कर रहे थे, है ना रवि? हाँ हाँ, क्यों? वेल, ये किसी चोर का काम नहीं है। मैं नहीं जानता ये किसने किया, क्यों किया, but it's not an accident, it's a cold-blooded murder. आपकी पत्नी का खून किया गया। हमें आपकी वाइफ की यह डायरी मिली है, हम इसे साथ ले जाना चाहते हैं। any problems? no problem. sure. रंजीत, ये फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, ये मेरे फैन हैं। इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, आज इन्होंने मेरी जान बचाई। What? नैना गायब है? Yes. और ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। तुम कह देना कि तुम और मैं साथ में ड्रिंक ले रहे थे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर गया और घर पर जाकर क्या देखा कि नैना की लाश। आपकी पत्नी का खून किया गया। You mean murder? आपके कहने का मतलब है कि नैना को किसी ने जानबूझकर मार डाला? No, I don't believe this. It's not possible. How can you say that? आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी चोर का नहीं है? Point तो बहुत बढ़ गया, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी चोर का है? अरे आप इस घर की हालत को देखिए, देखिए ये सब, कैबिनेट खुला हुआ है, पूरी ज्वेलरी गायब है, कैश गायब है, सामने देखिए खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है, तो अंधा भी देख सकता है कि ये काम किसी चोर का ही है। हम अंधे नहीं है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। उसके चेहरे के चिथड़े उड़ गए थे, इसका मतलब ये है जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई है वो कम से कम 22 बोर की होगी, और इतना ताकतवर हथियार चोर अपने साथ नहीं रखते। करेक्ट। एक बात और, अगर गोली किसी चोर ने चलाई होती ना, दूर से चलाई होती, इतने पास से नहीं,
एग्जैक्टली। और रही बात ज्वेलरी और रुपयों की, वो सिर्फ इस मर्डर को कवर अप करने के लिए गायब किया गया। लेकिन नहीं रवि, आई थिंक दे आर राइट। ये काम किसी चोर का नहीं, ये कोई जरूर और शख्स है, कोई पुरानी राइवलरी या नैना का कोई दिलजलाशे। वो जो भी है मिस्टर मेहरा, हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा। एनीवे, हमें आपकी वाइफ की ये डायरी मिली है, हम इसे साथ ले जाना चाहते हैं। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम, श्योर। थैंक यू। डायरी? डायरी। तफ्तीश के दौरान उन लोगों को घर में एक डायरी मिली है, और उन लोगों का कहना है कि ये डायरी नैना की है, पर मैंने आज तक नैना के पास कोई डायरी नहीं देखी। रंजीत, अक्सर लोग अपनी पर्सनल डायरी छुपा के रखते हैं। एक्सेप्टेड, बट डायरी छुपा कर लिखते तो नहीं है ना? मैंने तो नैना को आज तक कोई डायरी लिखते हुए देखा ही नहीं। मैं तो ये सोच कर परेशान हूं कि आखिर वो कौन सी बात थी जो नैना को मुझसे छुपाकर उस डायरी में लिखनी पड़ी। सर, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मर्डर उसके हस्बैंड ने किया है। आखिर नैना के मरने से सब ज्यादा फायदा उसके हस्बैंड को ही हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ, नैना की सारी दौलत पहले वो फूंक चुका है, बाकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, सर से पांव तक कर्जे में डूबा है, उसकी बैलेंस शीट यही कहती है। सर आइडिया, सर फिर तो जरूर ये कोई लव ट्रायंगल वाला चक्कर है, आई मीन पति पत्नी और वो। या थैंक्स, ओके सर। हमने डायरी के साथ नैना मेहरा के जो राइटिंग सैंपल्स भिजवाए थे वो बिल्कुल मैच कर गए हैं। गुड। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि वो डायरी नैना मेहरा ने खुद लिखी थी। ये उस डायरी का कुछ अहम हिस्सा है जिसमें शायद आपको इंटरेस्ट हो। पहला, 6 महीने पहले का नोट है, 22 मार्च 2009। आज रंजीत का रवैया बदला सा नजर आ रहा था, कहीं वो दोबारा अपनी शीना के पास तो नहीं चला गया। शीना? सर देखा, मैं आपसे कह रहा था ना, ये वही लव ट्रायंगल वाला चक्कर है, पति पत्नी और वो। दूसरा नोट, 5 अप्रैल 2009। अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, स्टूडियो भी बेच दूं तब भी पूरा कर्जा नहीं उतर पाएगा। अब रंजीत को मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इसका मतलब वो जानती थी कि रंजीत बाबू की दिलचस्पी उसकी दौलत में है। तीसरा नोट, 10 मई 2009। आज जब वो दिवाकर से मिला तो मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो शादी के वक्त नजर आती थी, कहीं उसे मेरी पॉलिसी के बारे में पता तो नहीं चल गया। पॉलिसी? इंश्योरेंस पॉलिसी। आई थिंक दिस इज द मोटिव। ये दिवाकर कौन है जरा पता लगा। यस, आई एम दिवाकर बनर्जी, इंश्योरेंस एजेंट। तो नैना मेहरा का इंश्योरेंस आपने करवाया था? ठीक जी हाँ, जब कराया था तब लगा कि बहुत बड़ा काम किया है, मगर अब लगता है कि बहुत भारी पड़ेगा यह क्लेम। पॉलिसी कितनी की है? 30 करोड़। तीस करोड़ एक ऐसी हीरोइन जिसका करियर खत्म हो चुका है, तो 30 करोड़ की पॉलिसी कैसे दे दिया? जिस वक्त वो पॉलिसी इश्यू की गई थी उस समय वो टॉप की हीरोइन हुआ करते, मगर मेहरा साहब के चक्कर में आके फिर तो उस पॉलिसी का नॉमिनी मेहरा तो नहीं होगा। जी नहीं, पहले नहीं थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मिस्टर मेहरा को ही नॉमिनी बनाया था। क्या मिस्टर मेहरा को इस बात का इल्म था कि 30 करोड़ की पॉलिसी के नॉमिनी वो हैं? वेल, पहले तो उन्हें शायद पॉलिसी का उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें कहीं से पता चल गया था, ऐसा नैना मैडम की बातों से लगा मुझे।
और उसी 30 करोड़ रुपए के लिए मेहरा ने अपनी बीवी यानी कि नैना का खून कर दिया। शायद व्हाट व्हाट नॉनसेंस, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे मैं अपनी बीवी का खून क्यों करूंगा, उसके जीते जी भी ये सब कुछ मेरा ही तो था। एक चीज उसके जीते जी तुम्हारी नहीं हो सकती थी, वो थी उसके इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम। उस रकम को हासिल करने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। इंश्योरेंस? कौन सा इंश्योरेंस? मैं किसी इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानता और ना ही नैना ने मुझे कभी इसके बारे में कुछ बताया, और अगर बताया भी होता ना तो मैं 30 करोड़ के लिए कभी अपनी जान से प्यारी बीवी का कत्ल नहीं करता। मिस्टर मेहरा, ये आपसे किसने कहा कि पॉलिसी 30 करोड़ की थी? कमाल है मिस्टर मेहरा, कमाल है। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते हैं और सुनते हैं? अमाउंट का तो हमने जिक्र भी नहीं किया, फिर आपको कैसे पता चल गया कि वो 30 करोड़ की रकम? मैंने ऐसे अंदाजा लगाया, दिस वाज़ ए वाइल्ड गेस। भाई वाह, बहुत सही अंदाजा लगाया आपने। अरे आपको तो मौसम विभाग में होना चाहिए। मिस्टर मेहरा, झूठ बोलने से क्या फायदा, आप सीधे सीधे इस बात को कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी है? ओके, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानता था, तो उससे ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि नैना का कत्ल मैंने किया है। तो फिर किसने किया है कत्ल? हाउ डू आई नो दिस? दिस इज योर जॉब, यू हैव टू फाइंड दिस। वैसे भी मैं रवि के साथ जब यहां पहुंचा तो नैना ऑलरेडी मर गई थी। जब ये सब हो रहा था मैं तो रवि के साथ उसके घर पर था, पता नहीं बाद में नैना को किसने। इसका मतलब रवि आपकी अलीबाई है? जी हाँ, क्योंकि रवि वो शख्स है जिसने नैना की जान बचाई थी। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं नैना की जान का दुश्मन होता तो रवि मेरा दोस्त कैसे बन सकता था? तो आप ये कहना चाहते हैं कि शाम से रात तक आप रवि के साथ थे? That's right. क्या रवि इस बात की गवाही देगा? Why not? जरूर देगा। You are right. तकरीबन रात के 10:30 बजे से लेकर आप लोगों के वहां आने तक हम लोग साथ में ही थे। 10:30 बजे? लेकिन हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का अंदाजा है खून 9 और 10 के बीच में हुआ था। हम लोग तो शाम से ही साथ में थे। मैं बस 2-4 मिनट के लिए ड्रिंक लेने इधर तो गया, बाकी तो हम शाम से साथ में थे। नहीं रवि, शाम से नहीं। नहीं मिस्टर मेहरा, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आप जब मेरे पास आए तो 10:30 बजे थे। आप जब मेरे पास आए तो 10:30 बजे थे। Are you sure? जब ये मुझसे मिलने आए थे तब मैंने घड़ी भी देखी थी। और हाँ एक बात और ऑफिसर, जब ये मुझसे मिलने आए तो इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी से लड़ झगड़ कर आए हों। मतलब इनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे, जूतों पर मिट्टी लगी थी। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे आपको याद नहीं? अरे आप यहां आए थे मेरे पास, उसके बाद आपने हाथ मुंह धोया था, जूते बदले थे, मेरे जूते पहने थे, उसके बाद आपने एक ड्रिंक ली थी, और फिर जब मैंने देखा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं खुद आया था आपको आपके घर छोड़ने के लिए। याद है आपको? यू रिमेम्बर? ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये झूठ को बोला तू? उन्होंने जो जूते चेंज किए थे वो अभी आए? ऑफ कोर्स, वार्डरोब में है।
पांडे तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है तू ऐसा? अरे 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 मिस्टर मेहरा आप देखिए मिस्टर मेहरा आप चाहे मुझे अपने फिल्म में चांस दे या ना दे मगर मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी वाइफ को कन्विंस करूं ताकि वो बाद में नाराज ना हो। अब मुझे क्या पता था कि ये मर्डर केस बन जाएगा। मिस्टर रवि ये वही जूते हैं। ऑफ कोर्स ये वही जूते हैं ऑफिसर। और देखिए देखिए इन जूतों पर अभी भी लाल मिट्टी लगी है। मिस्टर मेहरा क्या ये आप ही के जूते हैं? देखिए ये जूते मेरे हैं लेकिन इन पर ये मिट्टी कैसे है मुझे नहीं पता। ये इसकी चाल है ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है इसकी गेम है कोई। तुम मुझे फंसाने डोंट बी फिजिकल मिस्टर मेहरा। होल्ड अच्छा होल्ड कमाल है यकीन नहीं होता कोई कातिल इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। एनीथिंग स्पेशल? नथिंग पर्टिकुलर सर। बाकी मौत का वक्त हमारे वक्त के अंदाज से थोड़ा जल्दी है। नैना मेरा की मौत 9-10 के बीच में नहीं सर बल्कि 8 और 9 के बीच में हुई थी। इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं सर। सर सुबमणी साहब को नैना मेहरा की स्किन बड़ी ऑर्डिनरी से लगी धूप में झुलसी हुई। कहने लगे कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार एसी में रहने वाली गाड़ी घोड़ा में घूमने वाली उसकी स्किन इतनी रफ क्यों है? आई थिंक आई नो द आंसर। करोड़? जी हाँ जिस दिन आपने उनकी जान बचाई थी उसके अगले ही दिन आके उन्होंने आपको नॉमिनी बना दिया था। आई मीन अगर उनके साथ मिस्टर मेहरा कुछ हो जाता है तो क्लेम आपको मिलेगा। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। वन मिनट यकीन हुआ? It's all yours. पूरे 30 करोड़ लेकिन इसे खर्च करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी। हाँ ऐसा जुल्म मत करना मेरी जान। तुम्हारे इसी चेहरे पे तो मैं आशिक हूं। शायद मेरा नया चेहरा इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। वो औरत
जिसका चेहरा रिवॉल्वर की गोली से उड़ाया था वो कैसी थी? खूबसूरत या बदसूरत? क्यों मियां, चेक मिलने की खुशी में आप ये भी भूल गए कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इतनी जल्दी इतना बड़ा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती। पर तुम्हारी एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम स्पेशल इफेक्ट बड़े कमाल के बनाते हो। मेरा को तो अभी भी यही लग रहा है कि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने ही मरी थी। देखिए रवि ने कुछ नहीं किया और मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। दूसरे दिन आकर रवि ने मुझे बताया कि गाड़ी ड्राइव करने वाला कोई और नहीं मेरा पति था, और सबूत के तौर पर रवि ने मुझे फोन पर होने वाली बात भी सुनाई। अगर हम ये सब ड्रामा नहीं करते तो मेरा पति मुझे मार देता। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी होती तो तुम पुलिस के पास जाती, हमारे पास आती। लेकिन यह सारा ड्रामा तुमने सिर्फ उन 30 करोड़ रुपयों के लिए किया, सिर्फ उन रुपयों के लिए। धोखा धोखा होता है मैम, कोई तुम्हें दे या तुम किसी और को दो। धोखेबाजों को धोखा देना यही हमारी स्पेशलिटी है, और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना यही हमारा फर्ज है। फर्ज।